जिला कांगड़ा के अंतर्गत ज्वाली किस्में बाथू की लड़ी में नहाने से रोकने पर कुछ युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी व मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गए। बता दें कि एसडीएम ज्वाली अरुण कुमार शर्मा के निर्देश अनुसार पुलिस के दो कर्मी बाथू की लड़ी में गश्त हो गए थे। वहां गहरे पानी में नहा रहे युवकों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकलने के लिए कहा तो उसी समय शराब के नशे में धुत पानी में नहा रहे युवकों ने पुलिसकर्मी लाल सिंह के साथ बदतमीजी और हाथापाई करनी शुरू कर दी, साथ ही वर्दी भी फाड़ दी। इससे बाथू की लड़ी में एकदम से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। मामले की सूचना पुलिसकर्मियों ने पुलिस थाने में दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी ज्वाली ज्ञानचंद ठाकुर ने बताया कि इस मामले में फरार सभी आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया तथा सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रहे थे और मैंने उनको इशारा किया बाहर आने का, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। फिर जैसे ही वो बाहर आए और मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी उन्होंने, और बंदी को पर मोटरसाइकिल नंबर भी नोट है और वो लड़के दो क्लियर है। ये है कि जो पुलिस वाले के साथ उसने लड़ाई झगड़ा किया है, जिन भी व्यक्तियों ने किया है उनके खिलाफ जो है थाना जो है ज्वाली में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो है हमने मतलब जो है धारा 353, 332, 504 और 506 चौथी आईपीसी के अनुसार जो है मामला दर्ज कर दिया गया है, और उनमें से जो है बाकी गिरफ्तारियां भी रद्द कर दी गई है। तो उसमें हमने तीन आदमियों की गिरफ्तारी करी है, चौथा व्यक्ति अभी वो उसको मतलब अभी लगा मालूम हुआ कि वो भी ग्रिप में आ जाएगा। तो ये चार व्यक्ति हैं, उनमें जो है नंबर एक ये सृष्टिपाल सिंह गुलेरिया, सन ऑफ करम सिंह गुलेरिया, ये बनाड़ा डाकखाना खरोटा तहसील थाना वो ज्वाली। और दूसरा व्यक्ति है ये संजीव और संजू, ये सन ऑफ किशोरी लाल आर ओ खोटा ही है। और तीसरा है अभिषेक रमेश चंद आर ओ खोटा। तो ये इनकी उम्र भी 25 और 27 और 24 साल के हैं और इसी के बीच के हैं। तो इसके साथ साथ एक चौथा उनका साथी है, वो है आसमी कुमार सन ऑफ श्री मेहर सिंह विलेज करड़ियाल पीओ जो है वो ये अपना ही तहसील एंड पीएस ज्वाली, ठीक है। तो लेकिन पुलिस का मनोबल किसी भी सूरत में गिरने नहीं दिया जाएगा, इनके साथ खड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनको हमने गिरफ्तार तीन व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए, चौथे को भी वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। और हम लोगों ने इन्हें अभी जो गिरफ्तार किया है उन्हें पेश अदालत करना है।